थैंक यू जी। आजकल ना आपकी बहू आपकी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है। पूछ रही थी कि इतने रईस बनने से पहले आप क्या करते थे। इनोसेंट है, क्या बोला आपने? मैंने बता दिया, माली थे आप। ये क्यों बोला, क्या जरूरत थी? मैंने बता दिया, तो तेरे खून में इतना उबाल क्यों आ गया रे माली? माली था ना तू? माली था ना तू? अब माली को माली बोल दिया तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? वैसे तेरे जमीनों की खुदाई में तारीफों के पुल बांध कर आई हूँ मैं, कि तू कितना ईमानदार था, कितना मेहनती था, और तेरी वजह से आज हमारा ये घर परिवार कहाँ तक पहुँच गया, कितना पहुँचा हुआ है तू। खैर छोड़ इन बातों को, दिल के लिए जाना है। नागमणि देकर पूरे 200 करोड़ रुपए हमें मिलेंगे, और जिन्हें ये नागमणि मिलेगी अरबों में पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा और क्या मिल सकता है, ये तो तुम जानते ही हो ना? जानते हो ना? वो जो मिलेगा, जो दुनिया की हर दौलत, कुदरत की हर नेमत, हर ब्रह्मांड, हर कायनात से कितना ऊपर होगा, ऊंचा होगा वो नागमणि हमें क्या दे सकती है? दूसरी बात, वो तो याद है ना, डील होते ही ऋतिक का काम तमाम, उसके बाद हमें शिवन्या की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बहू शिवन्या, ऋतिक की ढाल शिवन्या, शिवन्या माय चॉइस। ऋतिक उसका पिता, उसका भाई, सब मिले हुए हैं, सब धन के लालची हैं, सब झूठे हैं, सच सिर्फ एक अंकुश रह जाके हाथ मेरे माँ बाबा के खून से रंगे। देख लिया जो देखना था, मान गई जो आज तक नहीं मानी तुम। हाँ शेषा, जब मैंने ऋतिक को अंकुश रहेजा के अतीत के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं इतनी गलत कैसे हो गई, मैंने ऋतिक को इतना सही कैसे मान लिया? शिवन्या, मैंने तुम्हें बार बार समझाया लेकिन तुम्हारी सोच नहीं बदली, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। नागमणि ले गया वो, पर हमें उसे वापस लाना है। आज रात नागमणि का सौदा करने वाले हैं वो लोग, और वो पांचवा कातिल वो अंकुश रहेजा के साथ जाने वाला है। हमें वो नागमणि भी वापस लानी होगी और वो पांचवे कातिल का चेहरा भी देखना होगा। पर कैसे शेषक, हम तो जानते तक नहीं है कि वो सौदा कहाँ होने वाला है। वो तुम्हें पता लगाना होगा शिवन्या। हाँ शेषक, मैं पता लगाऊंगी। आज की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है। आज की रात हमें शिव जी के चरणों में नागमणि अर्पित करनी है, और हम करेंगे। हे शिव जी, आज आपके सबसे बड़े भक्त जा रहे हैं आपकी मणि लेने। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हाँ हमारा नागमणि लेते, वैसे तैयार है ना? हाँ, कहाँ पे आना? स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके ओके, हाँ एड्रेस दो। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये वो पता है जहां नागमणि का सौदा होगा। शेषा को बताना होगा। अंकुश रहेजा, ये नागमणि हमारे शिवजी की धरोहर है, शिवजी के पास ही जाएगी। नागमणि के सौदागर आ रही हूं मैं। आपकी खिदमत में हमारा सलाम। सलाम सलाम, आप दोनों की तारीफ। अंकुश रहेजा ने हमें भेजा है। वो क्या है ना, उन्हें आने में थोड़ी सी देरी होगी, इसलिए जब तक वो नहीं आते तब तक हम आपका दिल बहलाएंगे, ऐसे बहलाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे।
वल्ला वल्ला, आइए आइए, आप दिल बहलाइए। क्या क्या कर सकती हैं आप हमारे दिल के लिए? कुछ भी, जो हम लेने आए हैं, मतलब आपका दिल, उसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या करें बताइए, कौन सा जलवा देखेंगे आप? हमारा जलवा जो भी देखता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब हवा में घूमने लगता है। देखेंगे हमारा जलवा? वल्ला खूबसूरत हसीनाओ, रात और रंगीन बनाइए, आप दिखाइए जलवा, दिखाइए। तो देख लो, दे दिया निद्राविश, अब कुछ घंटों तक बेहोश रहेंगे और हम अपना काम कर जाएंगे। हबीबी सलाम। सलाम। वो आ गया, वो पांचवा इंसान, वो पांचवा कातिल आ गया। लेकिन लेकिन ऋतिक, ऋतिक नहीं आया शेषा, इसका मतलब वो उन कातिलों में शामिल नहीं। फिर पागलपन, फिर दीवानगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऋतिक नहीं इस पांचवे कातिल को यहाँ भेजा है। जिसने जिसको भेजा है, कौन यहाँ आया है, हमें बस अपने काम को अंजाम देना है, यही याद रखना। तो आओ सौदाकर, आओ देख लो हमारा ये रूप भी, देख लो। सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज आए नहीं वो आपके साथ जो हमेशा आते हैं? वो आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, मैं वो लेके आया हूं जो आपको चाहिए। ये रही आपकी नागमणि। नागमणि हमारी धरोहर है बूढ़े, अभी पहले तो ये नागमणि हासिल करनी है, फिर देख लेंगे कहां रह गया वो पांचवा कातिल। लाइए, दीजिए नागमणि। ऐसे नहीं, पहले पैसे, एक हाथ से पैसे दीजिए और दूसरे हाथ से नागमणि लीजिए, यही सौदा हुआ था ना? ये लीजिए, विश्वास नहीं तो गिन भी लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक ही है, गिनती शुरू कर दी तो बूढ़े से महाबूढ़ा हो जाएगा, फिर मेरे दिल का क्या भरोसा, क्या पता डस लूं तुझे। लाओ दो नागमणि। ठीक है, लाओ दो नागमणि।